आज हम आए हुए हैं ईशा मल्होत्रा जी के स्टूडियो, जहां शुरू हुआ है बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स का थर्ड बैच। तो चलिए बातें करते हैं ईशा जी से और उनके स्टूडेंट से, और जानते हैं कैसा चल रहा है उनका क्लासेस। जोहार ईशा जी। जोहार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रांची अपडेट्स की तो टीम हमारे पास आती है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आए, तो आई होप कि आपको स्टूडियो अच्छा लगा, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा। आपको कैसा लगा यहाँ आके? काफ़ी अच्छा लगा। बताइए मैम, आप हमें पता चला है कि आपके मेकअप कोर्स का थर्ड बैच स्टार्ट हो गया, तो कैसे चल रहा है आपका ये बैच? आप लोग की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स वॉज एक्सेलेंट। अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो 20 स्टूडेंट्स की होती है हर एक बैच में, बट इस बार कुछ 4 स्टूडेंट्स हमें यू नो प्लीज़ 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 करके उन लोगों को हमने एडजस्ट किया, उनके लिए एक्स्ट्रा सिटिंग यू नो फैसिलिटी बढ़ाई हमने, और काफ़ी अच्छा जा रहा है, रिस्पॉन्स बहुत एक्सेलेंट रहा है। मैम, हमें पता चला कि काफ़ी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपसे निराश हैं क्योंकि आप उनका रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं कर पाई थी, तो आप उनके लिए इस बार क्या करने वाली हैं? जो लोग इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वो अगर वेट कर सकते तो प्लीज़ मार्च के लिए वेट कर लीजिए, बिकॉज अभी नेक्स्ट तो हमारा सितंबर 25 से 6 अक्टूबर तक हमारा 1 मंथ का जो कोर्स है उसको हम लोग क्रैश कोर्स के तरीके में 12 डेज़ का लेकर आ रहे हैं, बट जो हमारा जो 1 मंथ का प्रॉपर बैच है वो तो आपका मार्च में ही आ पाएगा, बिकॉज अभी नवंबर ऑनवर्ड्स तो वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, नवंबर दिसंबर, देन देयर इज जनवरी का, फरवरी का, मार्च में जाके थोड़ा वेडिंग सीजन डाउन होता है, तब मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है, 1 मंथ का प्रॉपर टाइम होता है कि मैं क्लास ले पाऊँ, जिसमें बुकिंग्स नहीं होती, बिकॉज मुझे लगता है कि क्लास में बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का ज़रूरत पड़ता है, क्लास में पूरी डेमो से लेके सारा प्रैक्टिस सेशन, पोर्टफोलियो, सारा कुछ मैं खुद ही करवाती हूँ, सो यू नो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वेडिंग सीजन के बीच में कोई बैच आ सके, तो आपका नेक्स्ट ईयर मार्च में ही आएगा बैच। मैम, कहाँ कहाँ से आए हैं आपके पास स्टूडेंट्स इस बार? इस बार हमारे स्टूडेंट्स आपके 2 बंगाल से आए हैं, रायपुर से आए हैं, फिर आपके धनबाद एरिया से आए हैं, रायपुर से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, पूरे झारखंड बिहार से आ रहे हैं, जमशेदपुर से भी स्टूडेंट्स होते हैं, सो बेसिकली मतलब वी आर एक्सपैंडिंग, काफ़ी हमारी रीच अच्छी जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं हमसे सीखने, तो ये हमारे लिए काफ़ी यू नो ऑनर की बात है कि बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं सीखने। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच कि आप आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, रांची अपडेट्स से तो हमारा यू नो एक रिलेशन बन गया है, जो पास्ट 1 ईयर से काफ़ी अच्छा आप लोग हमारे साथ रहे हमेशा जर्नी में, और आगे भी मुझे पता है हमेशा साथ ही रहेंगे, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो चलिए मिलते हैं ईशा जी के स्टूडेंट से और जानते हैं उन्हें ये कोर्स ज्वाइन करके कैसा लग रहा है। मेरा नाम रिंकू है। कैसे पता चला आपको ईशा मैम के क्लासेस के बारे में? रांची अपडेट्स में देखा था मैम का वीडियो, वो इंटरव्यू था आप लोगों का, वहाँ से हमको बहुत अच्छा लगा मैम के बारे में, देखा हमने, सर्च किया फिर इंस्टाग्राम में, और फिर हम सोचे कि हाँ यहाँ करना है, वो बहुत जेन्युइनली बात करती है तो हमको देख के वो अच्छा लगा, तो इसीलिए हम। कैसा लग रहा है क्लासेस ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, मैम बहुत हेल्प करती है हम लोगों को, बहुत हेल्पफुल है, कोई भी प्रॉब्लम हो क्या हो मैम से पर्सनली भी बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छे से। क्या लगता है 1 महीने बाद आप एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे? बिल्कुल ज़रूर बन जाएंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया है कि बन जाएंगे। आपका नाम? अभिषेक। कैसा लग रहा है क्लासेस को ज्वाइन करके? इस क्लास को ज्वाइन करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी तक का बैच में हम ही एक लड़का है, और शुरू शुरू हमको अनकम्फर्टेबल लग रहा था, पर यहाँ आने के बाद 1-2 दिन के बाद हमको पूरा अच्छा तरीके से कम्फर्टेबल है हम। जैसे आपने बताया कि आप ही इस बैच में एक मेल हैं, और आपको नहीं लगता कि आप सभी लड़कों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं? हाँ लग तो रहा है, पर मेकअप करने का जेंडर नहीं देखा जाता है, अपना हाथ में हुनर है तो कोई भी कर सकता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक्चुअली मेकअप सीखना मेरा ड्रीम था, एंड स्पेशली सॉफ्ट एंड ग्लैम मेकअप जैसा मैम करती है प्रो लेवल का, वो सीखना मेरा ड्रीम था, और मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि इस कोर्स को करने के बाद आप एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे? बिल्कुल, मैम के कारण कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा बहुत आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेकअप मैंने ही किया है इनको, तो जिस तरीके से मैम हम लोगों को सिखा रही है, जैसा डेप्थ नॉलेज दे रही हैं, प्रोडक्ट्स का नॉलेज दे रही हैं, उससे 100% मुझे यकीन है कि मैं बनूंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट।
कैसा लग रहा है इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद? अच्छा लग रहा है। जब फर्स्ट डे आई थी तो थोड़ी नर्वस थी, सोच रही थी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर अभी 1 वीक हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि अभी 1 महीना और है तो इसमें और कुछ भी अच्छा करना सीखेंगे। कैसे चल रहे हैं आपकी क्लासेस? बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे क्लासेस, बहुत अच्छे लगते हैं क्लासेस में मैम, हमें हर चीज़ अच्छे से मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ हमें समझाती हैं सिखाती हैं। हमारे डेमो क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक हमें बताती हैं जो हर जगह देखने के लिए नहीं मिलता मैम। हमें गुडीज़ बैग वगैरह भी प्रोवाइड हमें करवाई है। ईशा मैम के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? ईशा मैम के बारे में हमें इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला, उनके पोस्ट हम हमेशा देखते थे और लाइक करते थे। उनकी जो नेचुरल मेकअप लुक है वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके सारे लुक ऐसे बिल्कुल नेचुरल रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, बेस बिल्कुल फ्लॉलेस रहता है, बहुत अच्छा उनका मेकअप स्किल बहुत अच्छा है, इसलिए उन्हें हमने ज्वाइन किया है। क्या लग रहा है कि 1 महीने बाद आप लोग एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे? हाँ बिल्कुल, मैम से सीखा है तो बनेंगे ही। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छा सिखा रही हैं, बहुत कुछ नया टेक्निक्स बता रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बहुत सारे लुक्स बता रही हैं वो हमें इस क्लासेस में, हर क्लासेस में वो हमेशा सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे लुक सिखाती हैं, वो नए नए टेक्निक्स बताती हैं वो सारे स्टूडेंट्स को, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, वो सबको इक्वल समझती है, किसी को कम नहीं समझती और बहुत कॉन्फिडेंस भी देती है कि नहीं तुम कर सकते हो। मेरा नाम अंजलि प्रीति लकड़ा है। कैसा लग रहा है इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद? जो ये 1 महीना का जो कोर्स है ये ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में तो लग रहा था कि 1 महीना का है सीख पाएंगे या नहीं, बट 1 महीना का है बट जो ज्वाइन ही है तब से हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैम जिस तरह से हम लोगों को सिखा रही है वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, और मैम जितने भी हम लोग को प्रोडक्ट्स दी है अवेलेबल की है उससे तो हम लोग को लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से 1 महीना में हम लोग सीख पाएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं मांडर से हूँ, रांची से हूँ, मांडर पड़ता है हमारा गांव। कैसे पता चला आपको ईशा मैम के बारे में? ईशा मैम का जो ये एकेडमी है वो हमें रांची अपडेट से पता चला। क्या लगता है कि 1 महीने बाद आप एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगी? जी अभी तो लग रहा है, और हम लोग को इतना भी कॉन्फिडेंस है कि 1 महीना के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ सीख जाएंगे और आगे भी अच्छा काम करेंगे। चलिए आप सभी को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि आप सब एक बहुत बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट बन जाए। जी थैंक यू। तो ये थी ईशा मल्होत्रा जी और उनके स्टूडेंट्स, और कुछ जानकारी उनके बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स के बारे में। तो इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करते रहिए रांची अपडेट्स। मैं स्नेहा शर्मा अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ।